संकल्प लेकर मेरा साथ खड़ा होके मेरा साथ दिया है, उसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देती हूँ। उनका प्यार ही है जिसके पीछे हम लौटते भागते हैं। देख लीजिए महारानी को अपनी प्रजा पर किस कदर प्यार आ रहा है। ये तस्वीरें अलवर जिले की हैं। वसुंधरा राजे यहाँ एक व्यापारी के घर निजी कार्यक्रम में पहुंची थीं, लेकिन महारानी के समर्थकों ने ऐसा इंतजाम किया था कि ये कार्यक्रम भी सियासी हो गया। वसुंधरा राजे को सीएम का फेस बनाने और उनका समर्थन करने पर पार्टी से निकाले जा चुके पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा इस कार्यक्रम के अगुवा बताए जा रहे हैं। रोहिताश शर्मा ने राजे के इस निजी कार्यक्रम को शक्ति प्रदर्शन में बदल डाला। वसुंधरा के साथ अलवर में उनके कई करीबी नेता, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक राजे की जय जयकार करते दिखे। महारानी भी पब्लिक का इतना प्यार एक साथ पाकर खुशी से गदगद हो उठी। कहने लगी, बस इसी प्यार की तलाश में तो हम अपनी जनता के पीछे भागते दौड़ते रहते हैं जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज कार्यकर्ताओं ने इतने शॉर्ट नोटिस में भी इतनी सारी संख्या में और इतने प्रेम से हम लोग सबका स्वागत किया है। बहुत जोर से अब ये तो क्या है कि इनका मैं तो भगवान रोज प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद उनको यही देते हैं। ऐसे समय में भी सब लोग साथ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। राजस्थान की जनता ने जैसे परिवार है उस तरीके से संकल्प लेकर मेरा साथ खड़ा होके मेरा साथ दिया है, उसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देती हूँ। उनका प्यार ही है जिसके पीछे हम दौड़ते भागते रहते हैं। वसुंधरा जी से जरा कोई ये तो पूछे कि पिछले 4 साल से क्या उन्हें पब्लिक के प्यार की जरूरत नहीं पड़ी? आखिर 2023 की घंटी घनघनाने की आवाज से ही उनका सोया हुआ प्यार क्यों जाग उठा? अब राजा महाराजाओं का क्या है, प्रजा की ओर मुस्कुरा कर देख भर लिया, बस लोग तो उसी में खुश हो जाते हैं। और जब महारानी खुद चलकर दरवाजे तक आ जाएं, तो भला स्वागत करने में कौन पीछे रहेगा। वसुंधरा राजे अपना ये निजी दौरा पूरा करके लौट चुकी हैं, लेकिन उन्हें देखने आई भीड़ में कितने लोग मौजूद थे उसका आकलन भी महल में बैठकर जरूर कर रही होंगी, क्योंकि ये वही भीड़ है जो चुनाव के वक्त वोटों में बदल जाती है। अब महारानी जी ताकत दिखा रही हैं तो पार्टी में उनके अंदर खाने वाले कट्टर विरोधी सतीश पुनिया साहब भी कहां चूकने वाले थे। सतीश पुनिया भी पब्लिक से अपना स्वागत करवाने चित्तौड़गढ़ जा पहुंचे, लेकिन यहां पहुंचने का जरिया भी बने तो प्रधानमंत्री मोदी ही, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल के सुशासन का बखान करने खुद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया निकल पड़े। अब मोदी जी की शान में पुनिया साहब कसीदे पढ़ें तो उनकी भी जय जयकार होना स्वाभाविक ही है। कार्यकर्ताओं ने सतीश पुनिया का भी जोरदार स्वागत कर उन्हें गदगद कर दिया। अब पुनिया भी आंखों में सीएम का सपना सजो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की इस लड़ाई में आखिर आलाकमान की मंशा क्या है, ये ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि सीएम का चेहरा बनने की रेस में पुनिया और वसुंधरा ही नहीं कई और दिग्गज उम्मीदें लगाए बैठे हैं। फिलहाल तो ये दोनों अपनी अपनी डफली अपना अपना राग सुना रहे हैं। 2023 आते आते साफ हो जाएगा कि किसका गाना मोदी और शाह को ज्यादा पसंद आया। राजस्थान तक के लिए अलवर से संतोष शर्मा के साथ चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट।